जी हाँ, अधिकतर गर्भवती महिला को प्रोजेस्टेरॉन या सस्टेन की आवश्यकता नहीं होती है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्त्री रोग विज्ञान में एक विशाल विषय है, जिनका उपयोग महिलाओं में बहुत सारे समस्याओं में किया जाता है। इस वीडियो में प्रोजेस्टेरॉन या सस्टेन का केवल गर्भावस्था के दौरान विभिन्न स्थितियों में होने वाले उपयोगों को बताया गया है। इस वीडियो से आप जानेंगे प्रोजेस्टेरॉन के इंडिकेशंस, डोसेज, साइड इफेक्ट्स, विभिन्न ब्रांड्स और फॉर्मुलेशंस, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को किस तरह की स्थिति में कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, तथा इनका सबसे अच्छा फॉर्मुलेशन और सस्ता ब्रांड कौन सा है। बाजार में दो तरह का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उपलब्ध है, पहला सिंथेटिक और दूसरा नेचुरल। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के अधिक दुष्प्रभाव होने के कारण डॉक्टर्स नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन के उपयोग में अधिक रुचि दिखाते हैं। नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन को सोयाबीन या मैक्सिकन याम के जड़ से तैयार किया जाता है। इनके बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन को माइक्रोनाइज्ड किया जाता है। सस्टेन कैप्सूल या टैबलेट में नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन के कुछ अन्य ब्रांड्स भी हैं, जैसे इंडोजेस्ट, ल्यूपीजेस्ट, अल्टीजेस्ट, डूबाजेस्ट, माइक्रोजेस्ट, नेचुरोजेस्ट, अट्रोजेस्टान, माइक्रोजेन इत्यादि। नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन के माइक्रोनाइज्ड रूप तथा ड्रॉजीनेस दुष्प्रभाव होने के कारण इन्हें रात में खाली पेट में लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद लेने से इनका अवशोषण 2 गुना बढ़ जाता है, जिससे डोज डंपिंग हो सकती है। यानी सस्टेन टैबलेट या कैप्सूल को यदि मुख द्वारा लेना हो तो रात में भोजन करने से 1 घंटा पहले या भोजन करने के 2 घंटा बाद लेना सबसे उपयुक्त होगा। लेकिन यदि इसे योनि मार्ग द्वारा या इनका इंजेक्शन लेना हो तो अपने सुविधा अनुसार कभी भी लिया जा सकता है। नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन बाजार में विभिन्न स्ट्रेंथ में, जैसे 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg तथा विभिन्न फॉर्मुलेशंस में, जैसे कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन में उपलब्ध है। इन सभी फॉर्मुलेशंस में वेजाइनल फॉर्मुलेशन यानी योनि मार्ग द्वारा लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि योनि मार्ग द्वारा लेने से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है, अर्थात दवा को लीवर से गुजरना नहीं होता है, जिससे रक्त में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सांद्रता स्थिर रहने के साथ साथ शरीर पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन की डोसेज तथा सबसे सस्ते ब्रांड की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें। सस्टेन टैबलेट या कैप्सूल का उपयोग गर्भावस्था के दौरान मुख्यतः 5 तरह के स्थितियों में किया जाता है। पहला, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं में उत्पन्न बांझपन, जिसे मेडिकल भाषा में ल्यूटियल फेज इनसफिशियंसी या
ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण बार बार मिसकैरेज होना, जैसे हैबिचुअल एबॉर्शन। तीसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण मिसकैरेज होने की संभावना होना, जैसे थ्रेटेंड एबॉर्शन। चौथा, प्री टर्म डिलीवरी यानी समय से पूर्व प्रसव को रोकने के लिए। और पांचवा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे IVF एम्ब्रायो ट्रांसफर में ल्यूटियल सहयोग के तौर पर भी नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन का उपयोग होता है। लेकिन दुखद बात यह है कि इंडिया में नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन का अत्यधिक विज्ञापन के कारण डॉक्टर्स इनका उपयोग लगभग हर गर्भवती महिला में नियमित रूप से करते हैं, जबकि अधिकांश गर्भवती महिला में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी नहीं होती है। और ऐसे में अतिरिक्त प्रोजेस्टेरॉन लेने से फायदा के बदले नुकसान ही होता है। अतः प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेने से पहले प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करा लेना चाहिए। यदि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम रहे तो ही प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर गर्भवती महिला यह जान सके कि उनके लिए प्रोजेस्टेरॉन लेना लाभदायी है या नुकसानदायी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।